मेरा एक काम करोगे? जी भाभी कहिए। एक दो चीजें देनी है उसे, मुझे दीजिए मैं भिजवा दूंगी। ये जेवर बानो को क्यों दे रही हूँ? मैं ये मुस्लिम लीग के फंड में दे रही हूँ। नहीं भैया नहीं, भाभी को ना मारे, खुदा रहा आप मुझे मार डाले लेकिन भाभी पे हाथ ना उठाए। इसके अलावा एक और दुआ तो जरूर मांगी होगी। क्या? कि अल्लाह मियां मुझे हसन दे दे। नहीं, झूठी। मैं वाकई झूठ नहीं बोल रही, मैंने कभी कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी। क्यों? कभी जरूरत ही नहीं समझी। कितने दिन हो गए, ना तो सुरैया आई ना ही उसके घर से कोई आया, और मुझे तुम वहां जाने नहीं देते। अरे अम्मा, सब मुस्लिम लीग के कामों में मसरूफ, इसीलिए कोई आना जाना नहीं हो रहा। सारा खर्चा तो आपके मामू उठा रहे हैं। यही होता है जब बच्चों को बिन मांगे सब कुछ दे दिया जाए, उन्हें एहसास जिम्मेदारी नहीं रहता। उन्होंने इजाजत दे दी है रशीदा बाजी हसन से मिलने की। सच्ची भाभी, आज आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है सुबह सुबह। मैंने आज तक वाकई कोई ऐसी दुआ नहीं मांगी। शायद इसलिए कि मैं हमेशा आपको अपना समझती। जो चीज मेरी मुझे मिल चुकी उसे खुदा से क्यों मांगू? जाने दे, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। क्यों देती? जितनी दुआएं मैंने की हैं आपको कामयाब तो होना ही था। तो तुम्हारा मतलब है मेरा इसमें कोई कमाल नहीं? तुम्हें तो पता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, है ना? हाँ, और हमेशा होंगे। तो फिर ये तैयारी की? क्या मतलब? ये कपड़े, जेवर, ये चूड़ियां, तुम्हारी तैयारी से तो लगता है आज को खास दिन है। वो तो भाभी ने जबरदस्ती पहना दिए थे, वरना तुम तो तैयार ना होती। मेरे लिए भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? बी बन्नो, मैं भी कहूँ ना सलाम खत्म हुआ, ना गुलाब पाश आया और ना बानो बेगम। आप पता चला कि माजरा क्या था? सुरैया खाला, तुम हर दफा बेवक्त क्यों धमकती हो? बेवक्त क्यों भाई, यही तो वक्त होता है धमकने का। वैसे हो क्या रहा था यहाँ? ऐसे और कोई सवाल किया तो शर्म के मारे तो वैसे ही धरी हो रही है, जमीन में ही गड़ जाएगी बेचारी। मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। ऐदों पे माँ होने वाले थे कि तुम बारिश की तरह बरस गए,
मामला बीच में ही रह गया। कैसे अदो पैमा? एक लड़का एक लड़की से कैसे अदो पैमा करता है सुरैया खाला? अच्छा वो हमारी लड़की तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलने वाली, जाओ जाके मुंह धो, समझे? चलो बानो। लेकिन क्यों? क्यों का क्या सवाल? कह जो दिया नहीं तो नहीं। आखिर मुझ पे बुराई क्या है? नौकरी है। क्या हम बेकार लड़कों को लड़कियां नहीं देते? पहले कोई काम धंधा करो फिर ख्वाब देते। लेकिन ख्वाब तो मैं देख चुका हूँ। तो फिर अपनी आंखें खोलकर नौकरी ढूंढो ताकि उसकी तापी देख सको। भाई इम्तिहान पास कर लिया ना, अब नौकरी भी तो ढूंढ ही रहा हूँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो फिर शादी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो ही जाएगी। खाला तुमने आज जिस तरह मुझसे आंखें फेरी ना, मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेरी शादी होगी तो सिर्फ बानो के साथ, वरना किसी से नहीं। चुप कर फटे ढोल, किसी ने सुन लिया तो बैठ कर पागल। मैं किसी से नहीं डरता। किसी से नहीं डरते, दो दो जवान भाई हैं उसके, किसी गलत फहमी में मत रहना। और सुन लिया किसी दिन तो ऐसी श्यामत आएगी तेरी। और रही बात शादी की, तो कोई अच्छी नौकरी करो फिर मेरे नंद का हाथ पकड़ना, समझे? आपने बुलाया बीबी? हाँ अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा। किसका खत आया? अरे तुम्हें याद है तुम्हारी शादी में मेरी पटियाला से बहन आई थी? हाँ हाँ वो जिनकी तीन लड़के और एक लड़की है। हाँ हाँ वही वही, उन्होंने मुझे खत लिखा है और खत में अपने बेटे असगर की इतनी तारीफें की हैं, इतनी तारीफें की हैं कि मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे वो रिश्ता मांगना चाह रही हैं। उन्होंने बानो को देखा शादी में, उन्हें बानो पसंद आ गई। मैंने उनकी बेटी समीना को देखा, मुझे वो पसंद आ गई। मैं तो सोच रही थी कि फहीम के लिए समीना का रिश्ता मांग लूं, अच्छा रहेगा ना, एक ही घर में दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ तुम्हें समीना कैसी लगी बेटा? हाँ तुम्हें समीना कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी है। है ना, अच्छी है ना। लड़का क्या करता है? कौन असगर? असगर तो कुछ नहीं करता बेटा, आजकल पढ़ाई कर रहा है, और उसे क्या जरूरत है कुछ करने की? उसके अब्बा का लाखों का कारोबार है, महाराजा पटियाला के खासुल खास हैं वो, दौलत की रेल पेल है बेटा उनके तो घर में। अच्छा हाँ मैं जा रही हूँ नादरा की अम्मी को देखने, सुना है वो गिर गई हैं और हाथ की हड्डी तोड़ ली उन्होंने, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं आप जाए मैं फिर मिलाऊंगी। चलो ठीक है, बाद में जरूर मिलाना। हाँ मैं बस जाके देख कर आती हूँ। खुदा हाफिज़। बस मैं अभी गई और अभी आई। लेकिन थक गई। अल्लाह ओह हाय। सलाम अलैकुम भाभी। अरे वालेकुम अस्सलाम, तुम कहाँ से आ गई? तुम तो मैं कब भूल ही गई। बाजी कहाँ है? ऊपर होगी, मैं मिल के आती हूँ। या अल्लाह को भूंचाल तो नहीं आ गया? नहीं लेकिन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है।
हसन बीबी बताई थी कि बानो का रिश्ता है। तू फिक्र क्यों करता, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं करती हूँ बाजी से बात। बाजी बानो जैसी लड़की हम चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो हमें नहीं मिलेगी। तो पहले हसन को नौकर तो हो लेने दो। खुदारा कैसी बातें कर रही है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी शादी कर ले। ऐसे काम बेसब्री के नहीं होते सुरैया, लड़का नौकर हो ले तो फिर ही रिश्ता मांगना अच्छा लगता है। हमारा कौन सा कारखाना चल रहा है जिसके बलबूते पर हम बगैर नौकरी के रिश्ता मांग ले। बाजी मेरा मतलब ये है कि आप रिश्ता मांगने में पहल तो करें, ऐसा ना हो आपसे पहले वो पटियाला वाली खाला रिश्ता मांग ले। वो कैसे रिश्ता मांग लेंगी, उनका असगर तो अभी पढ़ रहा है ना। अमीर लोग हैं उन्हें क्या परवाह, उनका बेटा तो बाद में पढ़ सकता है। लो, कुछ करने की बजाय आप उल्टा परेशान हो गई। सुरैया इतने अमीर लोगों के सामने अब हमारी क्या हैसियत। बाजी अब्बा जी हसन को बहुत पसंद करते हैं, उसकी बहुत इज्जत है उसकी काबिलियत की वजह से। अब देखे ना, ना बानो को रिश्तों की कमी है ना हसन को। लेकिन वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत करीब आ गए हैं वो। क्या जी, और अगर उन दोनों की शादी ना हुई, बानो तो खुदकुशी कर ही लेगी, लेकिन हसन भी सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करेगा। तुमसे कहा है ये किसी ने? बाजी आजकल ऐसे ही तो होता है। अच्छा देखो, तुम ये बात अपने तक रखना, किसी से जिक्र मत करना। मैं करीम भाई से बात करती हूँ और जालंधर भी खत लिख देती हूँ। इतना वक्त नहीं है बाजी, जब मंगनी करेंगी तो जालंधर क्या पिंडी लाहौर से सबको बुलवा लीजिएगा। लेकिन खुदारा अभी करीम भाई के साथ आके रिश्ता मांगे। भाई साहब, वो हम एक गरज लेकर आए थे आपके पास। क्या बात है रशीदा बहन? भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि हसन मियां अब अपनी पढ़ाई लिखाई से फारिग हो चुके हैं। जी हाँ, हमें मालूम है, नौकरी तलाश कर रहा है वो, इंशाल्लाह मिल जाएगी बहुत जल्द। भाई बड़ा ही काबिल बच्चा है, हमें तो बहुत पसंद। बस उसे आप अपना ही बच्चा समझिए। जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप हसन मियां को अपना बेटा बना लें। जी अरे भाई साहब, वो क्या हो रहा है? दरअसल हम सब इसी घर से यहाँ आए। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा नसीर भाई, बानो को मेरी बेटी बना दीजिए। आदाब। जीते रहो। आदाब। आप लोग यहां से जा सकते हैं, बानो का रिश्ता तय पा गया है। जरा मैं भी तो सुनूं, मेरी बेटी की शादी किसके साथ तय कर दी है तुमने? मेरी क्या मजाल कि मैं आप लोगों की इजाजत के बगैर बानो का रिश्ता तय करूं। लेकिन एक रिश्ता है जो मुझे पसंद है। किसका? दीवान साहब के बेटे राम का। दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? मुसलमान की शादी हिंदुओं में कैसे हो सकती है? मुसलमान लड़की तो क्या, लड़के की शादी भी हिंदुओं में नहीं हो सकती जब तक वो अपना मजहब ना बदल ले। क्या बात की ऐसी, किस कदर तकलीफ पहुंचाई है मुझे। क्या तुम्हारा दोस्त मुसलमान होगा? तो वो कौन सा बानो को हिंदू होने का कहेगा, दोनों अपने अपने मजहब पे चलेंगे अब्बा जी। जब हमारा रहन सहन एक है, तौर तरीके एक है, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है? है, हर्ज है।
और वो हर्ज ये है कि सारे मुसलमान एक रहन सहन होने के बावजूद अलहदा मुल्क के लिए सीना सुपर हुए हुए हैं। आश, तुम्हारी एक बात से मेरी उलझन दूर हो गई है, बहुत बड़ी उलझन। मेरी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान बनना क्यों जरूरी है। इस बात से पाकिस्तान के बनने का क्या ताल्लुक है? है ताल्लुक, बिल्कुल है। सारी दुनिया में हर बात पर समझौता हो सकता है, मगर एहकाम खुदाबंदी में समझौता नहीं हो सकता। आज एक साथ रहते हुए तुम एक समझौता करोगे, कल और कितने समझौते करने पड़ेंगे? कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ता है बच्चा। जरा सोचिए, राम के पास नौकरी है, पैसा है, जायदाद है, घर बार है, खानदान है, सब कुछ है, सिर्फ एक मजहब की बिना पे आप इनकार करेंगे? अगर ये बात किसी और ने की होती तो मैं कुत्ती से उसकी जबान निकाल कर उसके हाथ में रख देता। अगर ये बात तुमने की, तुम अपनी अपनी बहन को हराम की जिंदगी गुजारना चाहते हो? क्या कर रहे हो तुम? कैसे भाई हो तुम? तुम उसे अपनी नफरत और गुस्से की बली पर चढ़ाना चाहते हो? अगर मैं बाप हूं उसका, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आज तक मैंने सोचा था कि मैं उसका रिश्ता बहुत छानबीन करके तय करूंगा, मगर अब नहीं, अब यही होगा। मुझे यही रिश्ता कबूल है। वाले, तुम लोगों से कह दो कि हमें ये रिश्ता कबूल है। हमारा बेटा भी बाजी, रशीदा बाजी, रशीदा बाजी। हाँ हाँ, मैं इधर हूँ। बाजी किधर है आप? इधर हूँ। क्या हुआ? मुंह मीठा कीजिए। अरे अरे अरे, क्या हो गया? किसके मुंह में मिठाई ठूसी जा रही हो? वो मान गए। अरे बहुत मुबारक हो। रशीदा बहुत मुबारक। देखो कैसी शर्म आ रहा है। Thank you.
जलाने से फायदा। वैसे मैंने पहले कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं। भाई हमरे हाँ तो बड़े भाई की इच्छा हुक्म समान समझी जाती है, इसलिए सब उसकी जबान की लाज रखते हैं। अब जबान तो इसने हमें दी नहीं थी। हाँ अगर जबान दी होती तो फिर शायद ऐसा ना होता। मुझे बहुत दुख है राम। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे क्या। और नहीं तो क्या भाई, इसी बहाने दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती और तुम्हारी बहन को एक अच्छा वार मिल जाता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी बहन का शौहर बनेगा। भाई बानो तो हमारे लिए हमारी बहन समान है, हर साल हमें सावित्री की तरह राखी बांधती है। भाई हम हसन जैसे कमीने के साथ उसका विवाह होते भी नहीं देख सकते। और हाँ सलीम मियां, वो बाग वाली बात याद है? अरे भी बात छोड़ यार। क्या? नहीं अरे छोड़ यार, वो हम आते हैं। चल चल बात। तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? बोलो ना। अरे क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस छोड़ो, खामखा समस्या खड़ी हो जाएगी, बस छोड़ो। तुम मुझे बताओ बात क्या है, ये बाग वाली क्या बात है? अरे कौन सा बाग, कौन सी बात? मुझसे क्यों छुपा रहे भाई, दोस्त तुम्हारा, बोलो। मैं छुपा? यार देखो, बोलो राम बताओ। अब तुम जिद कर रहे हो तो सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से बता रहा हूं। बोलो यार। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी के बाद हसन भाभी को मिलवाने के लिए तुम्हें पार्क लेकर आया था? हाँ तो वहां भाभी अकेली नहीं थी। क्या मतलब? जहां एक तरफ तुम भाभी से मिल रहे थे, वहां दूसरी तरफ हसन तुम्हारी बहन से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखा रवि, मैंने मना किया था ना कि मत बताओ, खामखा समस्या खड़ी हो जाएगी। अब अरे अरे सलीमिया कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा देखिए, गुस्से में आके किसी पे हाथ मत उठाइएगा। बस बस बस, बड़ा कमीना है तू। हमेशा का बेवकूफ है ये साला मुसला कहीं का। कब तक बिठाना है मुझे यहाँ? ओहो अम्मा, दो मिनट तो रुको, आती ही होगी। तो सुरैया के आने तक हमें क्या चारपाई से बांधे रखोगे? मुझे चाय बनानी है, मुझे उठने दो। नहीं अम्मा, आप बैठे रहिए, सुरैया खाला को आ जाने दो, तो मैं एक कठी एक दफा खबर सुनाऊंगा। इसके बचपन की ये जिद की आदत नहीं गई। भाई ऐसी कौन सी बात है जो सबको इकट्ठे मिलके सुनानी है तुमने? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मेरी नौकरी लग गई। क्या? हाँ अम्मा, रावलपिंडी पीडब्ल्यूडी में। मुबारक हो मेरे दुखों से बचाए तेरी लंबी उम्र में। तुम्हारी नंद बहुत भाग्यवान साबित हुई है, उसने तो आते ही मेरे बच्चे की जिंदगी में खुशियां बिखेर दी। जाना कब है? जुमे को। अम्मा आप भी मेरे साथ चलें। अरे मैं इसे कैसे उठ के चल दूं? नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, जाकर वहां पे अपनी नौकरी संभालो, कोई मकान का बंदोबस्त करो, फिर मैं आ जाऊंगी। लेकिन अम्मा नौकरी तो लग गई है और मुझे वहां पे रिहाइश भी मिल गई है। अम्मा आप मेरे साथ चलें। भाभी तुम सच कह रही थी, ये बहुत जिद्दी हो गया है। सुरैया तुम ही समझाओ इसे। क्या समझाऊं बाजी से, और जैसे मेरे समझाने से समझ जाएगा, खुद भी जाए और आपको भी साथ ले जाए, मुझे क्या। अरे अरे रुको तो, देख के हसन उसे कहीं गिरा ना देना। इतने बड़े हो गए हैं दोनों, लेकिन इनका बचपना नहीं गया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई खुशखबरी होती है। है ना भाभी जान, माशाल्लाह से 4 महीने हो गए। तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? सलीम की ननिहाल में मुनासिब नहीं समझा जाता बताना, वो समझते हैं ये बच्चे बोनी है इसलिए। छोड़ो ये बस बहाने हैं तुम्हारे, बस रहने दो, मैं नहीं बोलती तुमसे। अरे भाभी। सुरैया खाला, सुरैया खाला इतनी मोटी हो गई, कुछ तो ख्याल रखो अपना। चुप कर बेशर्म, हर वक्त बोलता रहता है। मामी बुला रही है,
अब दो मिनट के लिए अपनी मायूसी मुलतवी रखो, मेरी भी हर सुन लो। क्या है? मेरी मुलाकात करवा दो ना उससे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा हर किससे? सुरैया खाला, एक महीना हो गया है, सबर की भी इंतहा होती है। वैसे भी मैं जा रहा हूँ। जानती हूँ तुम जा रहे हो और साथ में बाजी को भी लेके जा रहे हो। तो उस चीज का गुस्सा इस तरह निकल रहा है? अब गुस्सा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन मैं आऊंगा। जरूर आना, लेकिन वो नहीं मिलने वाली तुम्हें। मेरे दर्द दिल की कशिश उसे खुद खींच लाएगी। ठेंगा खींच लाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे जाने के 10 मिनट बाद में तुम्हारे घर आऊंगा, तुम उसे अपने कमरे में बुला लेना। तुम मेरी बहन को लेके जा रहे हो ना, तो वहीं जाके उसके ख्वाब भी देखना। अब मैं जा रही हूं। मुबारक हो भाई, कब जा रहे हो? परसों। आप सबसे मिलने का बहुत इश्तियाक हो रहा था, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। अरे हम तो समझे थे तुम सितंबर में आ रहे हो। जी सोचा तो यही था, लेकिन लेकिन क्या भाई, साफ साफ बता दो, क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए मैंने छुट्टी की दरखास्त भी देनी है। ये ना हो कि मैं सितंबर में आके बैठा और तुम नवंबर में आ रहे हो। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ मैं जरूर आऊंगा। अब सुरैया खाला, वो बीबी ने आपसे कोई दुपट्टा मंगवाया था? कौन सा दुपट्टा? मुझे नहीं पता था कोई दुपट्टा, लाल रंग का गुलाबी रंग का। अच्छा वो गुलाबी वाला? अभी ला दे। नहीं मैं चलता हूँ ना। तुम क्यों तकलीफ करते हो, बैठ के बातें करो, मिले आती हूँ। हाँ हाँ बेटा बैठो ना, बैठो। सुना है तुम अपनी वालदा को भी साथ ले जा रहे हो? जी। मैं अभी आता हूं। फेम बैडी ऑफ फेम। सलीम, सलीम, मुझे नहीं पता मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि तुम मुझसे इतने नाराज हो गए। मुझे माफ नहीं करोगे? नहीं, बात बहुत बढ़ चुकी है। बात कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हमारी दोस्ती से ज्यादा बढ़ के तो नहीं हो सकती। मैं कल पिंडी जा रहा हूं और मैं तुम्हें नाराज करके नहीं जाना चाहता। हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है मुझे तुम्हारी दोस्ती मेरे भाई। कैसी दोस्ती? अगर दोस्त होते तो दोस्त के घर न कब्जा मारते। तो कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा हूं मैं, के मिलते नहीं रहे तुम बालों से। बस सलीम, अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी इज्जत है, अब से तुम उसके बारे में इस तरह की बात नहीं करोगे। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम मुझे माफ करके अपने गले नहीं लगा लेते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हसन, बेहतर यही है कि तुम मुझे रास्ता दो, हटो। आज ही बड़ी मोमानी कह रही थी कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा जिद्दी। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी अपनी जिद का बहुत पक्का हूं और तुमसे बड़ा भी हूं। तो अपना बड़ापन अपनाओ, मारो मुझे, गुस्सा करो मुझ पे, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चला गया हसन? नहीं, बहुत रात हो गई है, उसे कहो उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे।
उसे इस हालत में देख के ज्यादा परेशान होंगे। पिछली बार वाली मार के बाद बड़ी मुश्किल से झूठ बोल के उन्हें मुतमिन किया था। छोड़ दो मुझे, दो कहते हैं इस हालत में जिस्मानी आराम से ज्यादा ज़हनी आराम की जरूरत होती है। उस दिन तुम्हें धक्का दिया था मैंने, छोड़ तो नहीं आई। लेकिन हसन को काफी चोट आई है, गुस्सा हर बुराई की जड़ होता है। जब बाद में आपको दुख और शर्मिंदगी होती तो फिर आप गुस्सा करते क्यों हैं? वो मेरी बहन के साथ शादी करना चाहता है, दोनों की बात तय हो चुकी है। आप अपनी बहन को इतना चाहते हैं, इसके बावजूद आपने ये नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी? वो उसका होने वाला शौहर है, आप उसके बड़े भाई हैं, मत करें ये जुल्म उस पर। आप उसे माफ नहीं कर सकते, बानो की खातिर उसकी खैरियत पूछ लीजिए। मैं पूछ क्या हूं खैरियत? मैं जानती हूं खुद आपका दिल भी यही कह रहा है, और जब दिल किसी अच्छे काम पे उकसा रहा हो तो उसे कर लेना चाहिए। कितना बज गया? 11। मैं चलता हूं, बीबी परेशान हो रही होंगी। लेटी रहो, मैंने उन्हें कह दिया कि चूंकि तुम जाने वाले हो आज तुम इधर ही। भाई ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी मुझे और मेरे पूरे खानदान को बहुत शर्मिंदगी। खानदान में तो इंच नीच होती रहती है, और मैं तो सलीम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हूं। पारे की तरह चढ़ता है और झाग की तरह बैठ जाता है। मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती, वो मेरा दोस्त है, मेरा यार। कैसे हो? थोड़ा सो लिया था। काफी बेहतर। तुम्हारे हाथ में भी तो नील पड़ गया। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? हो गई, मैं पिंडी जा रहा हूं। बंटवारे के चक्कर में तुम
बानो को हमसे अलग कर दोगे। मैं खुद तुमसे दूर नहीं हो सकता तो बानो का कैसे सवाल, वो तो तुम्हारी बहन है। सलीम, कल नहीं मिलोगे?